नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को हम लेकर के आते हैं आपके लिए कुछ नया, कोशिश करते हैं आपको नई तरह की जानकारी देने की। आज बात करेंगे शंख के बारे में, शंख का महत्व क्या है जानेंगे आज के शो गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हम जब भी पूजा करते हैं या आरती शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले शंख बजाते हैं, क्योंकि उसकी ध्वनि पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और आरती के अवसरों में जरूरी मानी जाती है। क्यों जरूरी होती है शंख की ध्वनि और शंख के घर में रखने का क्या है महत्व, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में हमारा जो समाज है, जो हमारे जो संस्कार हैं, उसके अंदर शंख को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप माना जाता है। शंख का जो मध्य भाग, उसमें भगवान वरुण, पृष्ठ भाग यानी पीछे का भाग जो है उसमें भगवान ब्रह्मा, और जो अग्र भाग यानी शंख का जो आगे का भाग है उसमें गंगा और माँ सरस्वती का निवास माना जाता है। भगवान जो शंख स्वरूप, उनको भी एक देव का दर्जा दिया गया। भगवान श्री कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर, शालिग्राम पर जल या पंचामृत से अभिषेक करने पर निश्चित तौर पर सभी देवी देवता जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। शंख को एक मंगल चिन्ह भी माना गया, और घर के पूजा स्थल में रखने से निश्चित तौर पर आपके घर के तमाम अरिष्टों का, तमाम अनिष्टों का जो शंख है वो नाश करता है और आपके घर के सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। स्वर्ग लोग में अष्ट सिद्धियों और नव निधियों में, अष्ट सिद्धियों और नव निधियों में शंख का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि शंख का स्पर्श पाकर जल जो है वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। और जो पुरुष महिला भगवान कृष्ण को शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर उन्हें अर्ध देता है, जल का अर्ध देता है या देती है, निश्चित तौर पर उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और शंख में जल भरकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए भगवान को स्नान कराने से, लक्ष्मी नारायण भगवान को स्नान कराने से, भगवान कृष्ण को, शालिग्राम को स्नान कराने से निश्चित तौर पर सभी पापों का नष्ट होता है, नाश होता है। और हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी पूजा, हवन, यज्ञ इत्यादि शंख के उपयोग के बिना उसको पूर्ण नहीं माना जाता है। शंख साधक को उसकी इच्छित मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक साबित होता है तथा जीवन को सुखमय बनाता है। शंख यदि आपके घर के अंदर मौजूद है पूजा स्थल में, शंख को विजय, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति और माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। साधारणतः जो मंदिर हैं उसमें रखे जाने वाले जो शंख हैं वो उल्टे हाथ की तरफ खुलते हैं और बाजार में आसानी से कहीं भी उपलब्ध भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से किसी लक्ष्मी जी की पुरानी फोटो को देखा है? उस फोटो में लक्ष्मी जी के हाथ में जो शंख होता है, लक्ष्मी जी की कोई फोटो देखिएगा, उसमें जो शंख होता है वो दक्षिणावर्ती अर्थात सीधे हाथ की तरफ खुलने वाला जो शंख है वो दक्षिणावर्ती होता है। और वामावर्ती जो शंख है जहाँ भगवान, उसको विष्णु का स्वरूप माना जाता है, और दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख आपने रख रखा है, जल भर के रख रखा है, तो निश्चित तौर पर आपके घर में माँ लक्ष्मी का चिर रूप से, स्थायी रूप से निवास रहता है, क्योंकि लक्ष्मी को शंख का और इन दोनों का जो रिश्ता है वो भाई और बहन का रिश्ता है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार सीधे हाथ की तरफ खुलने वाले जो शंख को यदि पूर्ण विधि विधान के साथ उसको सिद्ध करके शंख को लाल कपड़े में लपेट कर यदि आप अपने घर में तिजोरी में रखते हैं, आप गले में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके धन से संबंधित जो परेशानियां उसका हल होता है और घर में सुख शांति, व्यापार में सुख शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वहीं दक्षिणावर्ती शंख को तिजोरी में रखा जाए तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी तो आपके जीवन में, आपके घर में चिर रूप से निवास करने ही लग जाती है। इसलिए घर में शंख
अवश्य रखा जाना चाहिए। कई भ्रांति है कि शंख को नहीं रखना चाहिए, लेकिन शास्त्रों का मानना है और मेरा मानना है कि यदि आपके घर में शंख है तो माँ लक्ष्मी से संबंधित तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जी पंडित जी, अभी आप कह रहे हैं कि घर में शंख रखना शुभ है क्योंकि वो समृद्धि, सुख, कीर्ति, लक्ष्मी का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तु के हिसाब से शंख का क्या महत्व है। जी बिल्कुल, शंख का जो है वो सिर्फ धार्मिक या देवलोक तक ही महत्व नहीं है, इसका वास्तु के रूप में भी महत्व माना जाता है। बड़ी ज्ञान की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। वर्तमान समय में वास्तु दोष निवारण के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, वास्तु यंत्र आ गया, वास्तु शास्त्र यंत्र आ गया है, बहुत सारी नई नई चीजें चाइनीज मार्केट में आ गई है, यदि आप शंख का उपयोग करें तो निश्चित तौर पे आपको कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यदि आपने शंख घर में रख रखा है तो न केवल घर के वास्तु दोषों को दूर करता है, बल्कि आपके जीवन में, आपके घर में आरोग्य में वृद्धि करता है, आयुष में वृद्धि करता है, लक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है, वंश वृद्धि करवाता है, पितृदोष को शांत करता है, और जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा है ऐसे अनेक दोषों का जो शंख है वो निराकरण करता है, निवारण करता है। शंख को पाप नाशक बताया गया, अतः शंख का विभिन्न प्रकार की कामनाओं के साथ प्रयोग किया जा सकता है। कहते हैं जिस घर में नियमित रूप से शंख की ध्वनि होती हो वहां कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है, और शंख के पूजन से शीश समृद्धि जो है आपके घर में प्रवेश करती है। वहीं शंख पूजा का विशेष रूप से महत्व माना गया, शंख को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया, उनका भाई माना गया, इसलिए पूजा माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाली होती है। शंख की जो पूजा है वो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, और इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है उसके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता, और धन का अभाव नहीं है तो बहुत सारी सुख शांति समृद्धि तो वैसे ही आ जाती है। शंख पूजा से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, देवताओं का प्रतीक मान के आप उसकी पूजा करें और निश्चित तौर पर उसके माध्यम से आपके अभीष्ट की, आपके मनोकामना की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। पंचजन्य की पूजा भी भगवान श्री हरि की आराधना के समान ही पुण्य देने वाली मानी गई है। जी दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि शंख भी कई प्रकार के होते हैं? कौन से होते हैं शंख के प्रकार और क्या विशेषता होती है उनकी? चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि शंख से संबंधित आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिएगा। और अलग अलग प्रकार के शंख बाजार में उपलब्ध हैं और सबकी पूजा पद्धति और सब अलग अलग होती है। शंख की जो आकृति है उसके आधार पर इसके प्रकार माने गए हैं। तीन प्रकार के मुख्यतः जो होते हैं वो हैं दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है वह दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है, और जिस शंख का मुंह बीच में खुलता हो, जिस शंख का मुंह बीच में खुलता हो वो मध्यावर्ती शंख कहलाता है, और जो शंख बाएं हाथ से पकड़ा जाता है वह वामावर्ती शंख कहलाता है, और शंख का उदर पेट दक्षिण दिशा की ओर हो तो दक्षिणावर्त, और जिसका उदर बाईं ओर की हो तो वो वामावर्त शंख। पहचान का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मध्यावर्ती जो बीच में खुलने वाले शंख और दक्षिणावर्ती जो दक्षिण में खुलने वाले जो शंख हैं वो सहज रूप से उपलब्ध नहीं होते, इनकी दुर्लभता और चमत्कारी गुणों के कारण ये अधिक मूल्यवान भी होते हैं। इनके अलावा आपको, आपने सुना ही नहीं होगा, लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणि पुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख इत्यादि कई प्रकार के शंख जो हैं वो उनके प्रकार बताए गए। जैसे हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सबके अपने अपने शंख हैं, और आप किसी भी देवता को उठा के देखिए, उनकी तस्वीर उठा के देखिए, हर देवता के हाथ में एक शंख अवश्य होगा और सबके अपने अलग अलग शंख हैं। तो शंख के कई प्रकार बाजार के अंदर जो है वो उपलब्ध है, उनको समझिए और उसके हिसाब से शंख को घर में रखने की कोशिश कीजिए, पूजा कर उसका करिए, निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है।
जी पंडित जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज गुड लक टिप्स में हम बात कर रहे हैं शंख की, चलिए आगे भी जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे शंख होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जिस शंख की चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें गणेश शंख, जिसे विघ्नहर्ता शंख के रूप में जाना जाता है। तो समुद्र मंथन के समय देव दानव का जब संघर्ष हो रहा था, तो उस दौरान समुद्र में से 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें आठवां जो रत्न था उसके रूप में शंखों का जन्म हुआ, और जिनमें सर्वप्रथम पूजित भगवान गणेश जी के आकार का गणेश शंख का उदय हुआ, जिसे हम गणेश शंख कहते हैं। इसे प्रकृति का आप चमत्कार कहें या गणेश जी की कृपा कहें, इसकी जो आकृति होती है, गणेश शंख की जो आकृति होती है और उसकी जो शक्ति है, वो हूबहू भगवान गणेश जी जैसी होती है। गणेश शंख जो है वो प्रकृति के का जो है मनुष्य के लिए बहुत ही अनमोल अनूठा उपहार है, सातवां अजूबा है, ये समझिए। निश्चित रूप से वे व्यक्ति परम भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके पास या जिनके घर में गणेश शंख का पूजन दर्शन होता हो, भाग्यवान होते हैं। भगवान गणेश जो हैं सर्वप्रथम पूजित देवता, इनके अनेक स्वरूपों में जैसे यथा विघ्न नाशक भगवान गणेश, दरिद्रता नाशक गणेश, कर्ज मुक्तिदाता गणेश, लक्ष्मी विनायक गणेश, बाधा विनायक गणेश, शत्रुहर्ता गणेश, वास्तु विनायक गणेश, मंगलकारी गणेश इत्यादि इत्यादि अनेक नाम और अनेक स्वरूप भगवान गणेश जी के जन सामान्य में व्याप्त हैं। और भगवान गणेश जी की कृपा से निश्चित तौर पर सभी प्रकार के विघ्न बाधा दरिद्रता दूर होती है। जहाँ दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग केवल और केवल माँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए किया जाता है, वहीं श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति और विघ्न बाधा की शांति हेतु किया जाता है, और इसकी पूजा से निश्चित तौर पर सकल सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। गणेश शंख आसानी से नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा दुर्लभ माना गया। सौभाग्य यानी आप भाग्यशाली यदि हैं तो ही आपको इसकी प्राप्ति होती है। और इस भौतिक अर्थ प्रधान कंपटीशन के युग में, आज के समय में धन ही सब कुछ है और धन के बगैर सब कुछ व्यर्थ है, तो आर्थिक व्यापारिक और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय भगवान श्री गणेश शंख की घर में स्थापना। अपमानजनक कर्ज बाधा इसकी स्थापना से दूर हो जाती है। इस शंख की जो आकृति है भगवान गणपति के समान है, और शंख में जो निहित सूंड का जो रंग है वो प्राकृतिक सौंदर्य युक्त है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक जो है भगवान गणेश शंख के दर्शन मात्र में उसके अंदर उपलब्ध हो जाती है। विधिवत सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित गणेश शंख की स्थापना चमत्कारिक अनुभूति देती है। किसी भी बुधवार को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठित से भगवान गणेश शंख को अपने घर या व्यापार स्थल के पूजा घर में रखकर धूप दीप पुष्प से संक्षिप्त पूजन करें नियमित रूप से। अपने आप में चैतन्य शंख है, इसकी स्थापना मात्र से भगवान गणेश जी की कृपा कि आपको स्वयं को अनुभूति होने लगेगी। नित्य धूप दीप जलाना ही पर्याप्त है, जटिल विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गणेश शंख है। अब मैं आपको बताता हूँ माँ लक्ष्मी शंख के बारे में। तो माँ लक्ष्मी शंख का जो आकार है वो शीयंत्र की भांति होता है। इसे प्राकृतिक शीयंत्र भी माना जाता है, कोई बनाया हुआ नहीं है, प्राकृतिक रूप से। और जिस घर में इसकी पूजा विधि विधान से होती है वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है। सुरीली आवाज होती है जब हम शंख बजाते हैं। विद्या की देवी सरस्वती भी शंख धारण करती हैं, स्वयं वीणा शंख की पूजा करती हैं, और माना गया है कि इनकी पूजा और इसके जल को पीने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। अब बात करते हैं दक्षिणावर्ती शंख। स्वयं भगवान विष्णु अपने दाहिने हाथ में दक्षिणावर्ती शंख धारण करते हैं, और पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय यही शंख निकला था जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। ऐसा शंख है जिसे बजाया नहीं जाता है, बहुत ही शुभ माना गया है। और शंख की उत्पत्ति मान्यता यह है कि इसका जो उदय हुआ है वह समुद्र मंथन से हुआ था।
जो 14 रत्नों में से छठा शंख था। अन्य 13 रत्नों की भांति शंख में भी वही गुण मौजूद है। और विष्णु पुराण के अनुसार माता जो लक्ष्मी है वो समुद्रराज की पुत्री है तथा शंख उनका सहोदर अर्थात भाई है। अतः ये भी मान्यता है कि जहाँ शंख है जहाँ भाई है वहाँ बहन तो अवश्य आएगी, माँ लक्ष्मी तो अवश्य आएगी। और इन्हीं कारणों से शंख की जो पूजा है वो घरों के अंदर बड़ी शुभ मानी गई है, सभी सुख देने वाली मानी गई है। जी, शंख की स्थापना कैसे करनी है पंडित जी, और शंख के कैसे कैसे आश्चर्यजनक फायदे होते हैं, यहाँ आपसे वो जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, प्राचीन काल से ही, बहुत पुरातन समय से ही, आजकल तो हम रखते ही नहीं है शंख घरों के अंदर, लेकिन पहले प्रत्येक घर में पूजा वेदी पर शंख की स्थापना की जाती थी। निर्दोष और पवित्र शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो इत्यादि शुभ मुहूर्त में विशेष कर्म कांड के साथ स्थापित किया जाता है। गुरु भगवान, रुद्र भगवान, गणेश, माँ भगवती, भगवान विष्णु इत्यादि के अभिषेक के समान शंख का भी गंगाजल, दूध, घी, शहद, गुड़, पंचद्रव्य इत्यादि से अभिषेक किया जाता है। इसका धूप दीप नैवेद्य से नित्य पूजन करना चाहिए। लाल वस्त्र के आसन में स्थापित करके रखिए उसको। शंखराज सबसे पहले आपके घर के जो वास्तु दोष है उनको दूर करते हैं। यह मान्यता है कि शंख में कपिला अर्थात लाल गाय का दूध भरकर यदि आप भवन में छिड़काव करें, शंख में कोई लाल गाय का दूध उसमें भर दें और फिर घर का आप छिड़काव करें तो निश्चित तौर पर घर के बड़े से बड़े वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। और परिवार के सदस्यों द्वारा आचमन करने से असाध्य रोग, उस दूध को, जल को यदि आप आचमन करते हैं तो असाध्य रोग दूर होते, दुख दूर होता है, दुर्भाग्य दूर होता है। विष्णु शंख को दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री इत्यादि में स्थापित करने पर वहाँ के वास्तु दोष दूर होते हैं, व्यवसाय इत्यादि में लाभ होता है। शंख की स्थापना से, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि शंख उनका सहोदर है, उनका भ्राता है, उनका भाई है, और जहाँ शंख होगा वहाँ मैं भी होंगी। तो धन की कामना है तो शंख को तो घर में रखना ही पड़ेगा। देव प्रतिमा के चरणों में शंख रखा जाता है। पूजा स्थली पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने एवं पूजा आराधना करने से माँ लक्ष्मी का चिर स्थायी रूप से निवास होता है। गणेश शंख में जल भरकर प्रतिदिन यदि गर्भवती नारी को, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो और उसको सेवन कराए उससे, तो निश्चित तौर पर उसकी जो संतान है वो गूंगेपन से, बैरेपन, पीलिया इत्यादि रोगों से मुक्त होती है। अन्नपूर्णा शंख जो है उसकी व्यापारी व सामान्य वर्ग के द्वारा अन्न भंडार में स्थापना करने से आपके घर में हमेशा अन्न का भंडार जो है वो भरा रहता है, धन लक्ष्मी वैभव की उपलब्धि होती है। और ऋषि शंख की मान्यता है कि छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर छोटे छोटे जो शंख होते हैं वो कोई गले के अंदर आप उसको बांध सकते हैं, या शंख में जल भरकर अभिमंत्रित करके पिलाने से वाणी दोष नहीं रहता है। कई बच्चे होते हैं जो कि देखा होगा कि हकलाते हैं, बहुत जल्दी बोलते नहीं है, 3-3 साल के हो जाते हैं, तो शंख में जल भर के रखिए, 24 घंटे बाद उस जल को फेंकिए मत, क्योंकि उस जल में देवताओं का वास हो गया। फिर उस जल को अपने बच्चे को पिलाइए, निश्चित तौर पे उसकी जो वाणी है वो खुलने लगेगी, हकलाट जो है वो कम होगी, बच्चे जो हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और पुराणों में उल्लेख है कि मूक और श्वास रोगी हमेशा शंख बजाएं तो बोलने की शक्ति पा सकते। श्वास जिनको दमा हो वो यदि आप उस शंख बजाते हैं, शंख का जल ग्रहण करते हैं, तो दमा अस्थमा कितना ही पुराना क्यों नहीं हो उससे आपको मुक्ति मिलती है। रुक रुक कर बोलने हकलाने वाले यदि नित्य शंख जल का पान करें तो आश्चर्यजनक रूप से लाभ प्राप्त। दरअसल मूकता व हकलापन जो है उसको दूर करने के लिए शंख जल एक महा औषधि है। सब एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सब दवाएं बेकार हैं, शंख का जल रखिए और गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति पाइए। जी पंडित जी, आपने पहले भी बताया है कि दक्षिणावर्ती शंख के लिए कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को हम पा सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा और आगे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, शुद्ध और असली दक्षिणावर्ती शंख को आप प्राप्त करके सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कर अपने व्यवसाय स्थल पर, उद्योग कार्यालय, दुकान, भवन के पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा करने के बाद शंख में जल, दूध, गंगा जल भरकर
छिड़काव करें। संकोदक जल से आचमन करने से दरिद्रता, कर्ज और दुर्भाग्य का नाश होता है, भाग्य के प्रवाह में वृद्धि होती है। चिरस्थायी चंचल जो लक्ष्मी है, सुख समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति सभी तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाए, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता, ये उसको मिलने लग जाए, आर्थिक उन्नति के सारे उपाय विफल नजर आए, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है दक्षिणावर्ती शंख, सिर्फ और सिर्फ दक्षिणावर्ती शंख, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो इसके विधिवत पूर्वक जो स्थापना करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र देव द्वारा निर्मित इस तेजस्वी शंख को जो भी मनुष्य अपने घर में, अपने व्यापार स्थल में, अपने पूजा स्थल पे, अपने गले में, अपने तिजोरी में रखकर नित्य पूजन दर्शन करता हो, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, अभाव नहीं आती, असफलता नहीं आती, रोग नहीं आते हैं। और लक्ष्मी से संबंधित जितने भी प्रयोग है वे दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग की तुलना में कुछ भी नहीं है। शुद्ध श्रेष्ठ असली प्रमाणिक दक्षिणावर्ती शंख को घर में स्थापित करें। दक्षिणावर्ती शंख जिसके घर में रहेगा वहाँ सब मंगल होता है। लक्ष्मी तो निवास करेगी करेगी, और जिस घर में उत्तम दक्षिणावर्ती शंख की पूजा होती है वो घर जो है उसके जो सदस्य हैं सौभाग्यशाली होते हैं, धनपति रहते हैं, स्थायी रूप से घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख है। आश्चर्यजनक रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इसके माध्यम से ऋण, दरिद्रता और सभी अभाव मिटते हैं और सभी दृष्टियों से संपन्नता आती है। शंख लेकर सीधे उसकी पूजा करने से लाभ प्राप्त नहीं होता, विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करना होता है। अष्टोत्तर लक्ष्मी प्रयोग से संपन्न और अष्ट लक्ष्मी मंत्र सिद्ध कुबोर मंत्रों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा युक्त शंख ही साधना के लिए फलदायक रहता है, और जिस घर में शंख रहता है वहाँ कभी भी धन धान्य से रिक्त नहीं रहता है। भगवान विष्णु का आयुध होने से अत्यंत मंगलकारी माना गया। जिस परिवार में इसकी स्थापना की जाती है, घर में स्थापना की जाती है, वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस इत्यादि द्वारा पहुँचाए जा रहे जो दुर्भिक्ष हैं उनका स्वतः ही समाधान होने लगता है। शत्रु पक्ष कितना ही बलशाली क्यों ना हो, उसके प्रभाव से हानि नहीं होती, दुर्घटना, मृत्यु, भय, चोरी इत्यादि से रक्षा होती है। सौभाग्य से यदि आपको निर्दोष शंख मिल जाए तो उसे किसी शुभ मुहूर्त में गंगा जल, गोघृत, कच्चा दूध, मधु, शहद, गुड़ इत्यादि से अभिषेक करके अपने पूजा स्थल में लाल कपड़े के आसन पर स्थापित कर लीजिए। और यदि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त करनी है, अभिलाषी हैं, तो दक्षिणावर्ती जो शंख है वो उसका जोड़ा अर्थात नर और मादा दो शंखों को देव प्रतिमा के सम्मुख स्थापित कर लीजिए। जी दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। पंडित जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री राधे। दर्शकों, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें सोमवार से शुक्रवार शो के दौरान कॉल कर सकते हैं, साथ ही में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर, goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।